Hello everyone, my name is Jatin Nemuria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. मुझे आप सबको एक अपडेट देनी थी. जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं जो फर्दर इंटरव्यू राउंड्स के लिए आगे प्रोसीड करेंगे. तो आपका जो इंटरव्यू राउंड होगा वो PSB होगा एंड देन उसके बाद आपको FSB के लिए जाना पड़ेगा. यहाँ पर SSB की तरह नहीं होता जहाँ पर बस आपको एक बार जाना रहता है और फिर उसके बाद आप स्क्रीन इन होते हो और उसके बाद बाकी प्रोसेस देते हो. यहाँ पर आपको पहले PSB के लिए जाना पड़ेगा बस एक दिन के लिए एंड देन उसके बाद बाकी चार दिन के लिए आपको AFSB के लिए अलग से जाना पड़ेगा. सो PSB के लिए यहाँ पर मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, जैसे आपका नोएडा हो गया, गोवा हो गया एंड मल्टीपल सिटीज़. और फिर उसके बाद आपका जो FSB होता है वो बस और बस नोएडा में होता है. मैंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा पिछली बार भी क्वालिफाई हुआ था और इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया है और इस बार भी ये मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है. सो अब मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है, बट शायद मैं इस बार इंटरव्यू के लिए ना जाऊँ बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस GST इंस्पेक्टर पोस्ट. बट अगर आप लोग सेलेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले साइट पर लॉग इन करिए और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज ही अपलोड कर देना, क्योंकि इसको अपलोड करने की 21st लास्ट डेट है. अगर आप अपलोड नहीं कर पाए तो आपको आगे के फर्दर इंटरव्यू राउंड्स के लिए नहीं लेके जाया जाएगा. और PSB की तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि यहाँ का जो PSB होता है ना वो रिलेटिवली SSB के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफर एंड पे होता है और हल्का सा आपको अलग देखने को मिल सकता है. सो अच्छे से अपनी स्टोरी लिखी है. बाकी जो इसमें आपका जो OIR होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं. सो दैट इज़ सिंपल, क्योंकि आपको बुक नहीं दिखाई जाएगी. जैसे हमारे इधर क्या होता है, DIPR मिलती है SSB में, राइट, जैसा कि आपको पता होगा. यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शायद वो क्वेश्चंस आएंगे एंड देन उसके बाद आपको बस अपने OMR शीट मिलेगी या फिर जो भी कुछ मिलेगा उसमें आपको फिल करना रहेगा. सो ये PSB की थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको. बाकी प्लीज़ चेक योर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, सही जा रहे हो, पढ़ते रहो ऐसे. और अगर नहीं कराए तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो रिलेटिवली बाकी एग्जाम से थोड़ा सिंपल होता है. मतलब इट इज़ सिंपल फ्रॉम FCAT, इट इज़ सिंपल फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम CDS एंड अदर SSC एग्जाम्स. तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना कि कहाँ दिक्कत हो रही है. और अगर ये एग्जाम क्लियर हुए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि हाँ, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और पढ़ते चलो. और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर FSB एंड PSB बोथ. आई होप यू गेट रिकमेंडेड. बाकी अगर आपको चाहिए तो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड फॉर दिस कोस्ट गार्ड, तो हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से लाइक तैयारी करनी है. टिल देन बाबा टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जितिन गुरिया.